My Dr. Umesh, a senior consultant neurologist, TX Hospital, Hyderabad. My last about 25-30 years से practice कर रहा हूँ neurology. आज जो है World Stroke Day, आज all over world मना रहे हैं और इसी मौसर पे हम जो हैं ये स्ट्रोक क्या होती है, किस वजह से आती है हमें स्ट्रोक और इसे हम कैसा पहचाने और ट्रीटमेंट क्या ले लें इसे और इसको कैसे रोकें आगे आने का, तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे. ये स्ट्रोक जो है हमें दूसरे वर्ड से भी इसे पहचाना जाता है, जैसे कुछ लोग जो इसे फालिश कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, लकवा कहते हैं, वीकनेस कहते हैं, सभी को हम स्ट्रोक से जानते हैं. ऑल ओवर वर्ल्ड सभी हार्ट अटैक को काफ़ी अच्छे पहचानते हैं, लेकिन स्ट्रोक को ज़्यादा से लोग जो हैं नेग्लेक्ट करते हैं. अगर दोनों को अगर आप पहचानते हो, स्ट्रोक और ये हार्ट अटैक का, दोनों का मैकेनिज्म सेम रहता है. अभी स्ट्रोक जो है एग्जैक्टली क्या होती है स्ट्रोक में, उसके बारे में हम बात करें. ब्रेन जो है एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर रहती है और ये ब्रेन जो है हमारा मूवमेंट्स हो गया, बात करना हो गया, देखना हो, सुनना हो, सभी कंट्रोल करती है. इसे मेन ऑर्गन है ये ब्रेन. ब्रेन ही सभी ऑर्गन को कंट्रोल करता है. इट इज़ कॉल्ड एज अ सुपर ऑर्गन नाउ. और ये ब्रेन फंक्शन करने के लिए हमें जो है ब्लड सप्लाई चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए. न्यूट्रिएंट बोले तो उसमें ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स हो गए, सम केमिकल्स हो गए, वो सप्लाई होते रहना. और ये जो है हमें दो नलियों ब्रेन से पहुँचने के लिए दो नलियाँ रहते हैं, एक राइट में और लेफ्ट में. राइट का जो है राइट ब्रेन को सप्लाई करेगा, लेफ्ट जो है लेफ्ट ब्रेन को सप्लाई करेगा. ये ब्रेन में कुछ एरियाज रहते हैं, जैसा फ्रंट एरिया, साइड एरिया, बैक एरिया एंड देन टॉप एरिया, ऐसे रहेंगे ये. इसे हम फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब कहते हैं. ये एरिया पर्टिकुलर एरियाज पर्टिकुलर फंक्शन करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो फ्रंट का एरिया जो रहता है हमें ब्रेन का, वो फ्रंट का एरिया जो है हमें सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर उसका स्पेशल फंक्शंस होते हैं. जो साइड के जो हैं वो कहते हैं टेम्पोरल एरिया. टेम्पोरल एरिया लेफ्ट का जो है मेनली स्पीच का रहता है. स्पीच में दो पार्ट होते हैं. हमें जो है एक रिसेप्टिव एरिया रहते हैं, जैसा हम कोई बोलने के बाद हम सुन के समझते हैं, वो समझने का सेंटर रहेगा. समझ के प्रोसेस करके हम बात करने के लिए एक्सप्रेसिव सेंटर रहेगा, बोलने का सेंटर रहेगा वो लेफ्ट साइड में. और राइट साइड में जो है हमें ड्रेस करने के लिए, रास्ता पहचानने के लिए, स्पेशल ओरिएंटेशन जो रहती है हमें वो पहचानने के लिए राइट का चाहिए. पीछे का भाग का जो रहता है उसे ऑक्सिपिटल एरिया कहते हैं. ऑक्सिपिटल एरिया जो है हमें नज़र पहचानने के लिए, जैसा विजुअल इफेक्ट्स जो कहते हैं हमें, जो विजुअल हमें देखने के लिए जो चाहिए, उसके लिए हमें ऑक्सिपिटल एरिया चाहिए. पैराइटल एरिया जो रहता है जैसे स्टॉप एरिया, वो पैराइटल एरिया जो है हमें हमारे हाथ पैर के वाइब्रेशन, सेंसेशन, बर्निंग, उसके लिए रहता वो. सो ये डिफरेंट एरियाज ब्रेन्स जो हैं हमारे फंक्शन करने के लिए, मैंने कहा कि हमें ब्लड सप्लाई चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें. पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, एक थोड़ा सा टिश्यू रहेगा ब्रेन का, 100 ग्राम ब्रेन रही तो 100 ml अगर ब्लड चाहिए तो ये तब काम करेगा वो. अगर ये 100 ml हमें 60 ml हो गया तो उसका फंक्शन कम हो जाएगा. 60 ml से 20 ml हो जाएगा तो उसका फंक्शन कम हो गया. तो ये 20, 60, 40 ml पर मिनट को हमें पहुंचाना पड़ेगा हमें वहाँ. तो वो पहुंचने के लिए ये खून के दौरान दोनों नलियों से ब्रेन को सप्लाई होती रहती है. हार्ट जो है पंप करते रहेगा. ये तब से हमारा बर्थ से टिल अवर लास्ट ब्रेथ ये कंटिन्यूस पंप करेगा और ये जो है उस ऊपर सप्लाई होते रहेंगे हमें. इस खून के दौरान में कुछ अगर कमी रही है हमें, उस ब्रेन के एरिया में खून कम पहुँची है तो एरिया कम काम करेगा. अगर 3 मिनट के ऊपर हमें अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगा तो वो ब्रेन के एरिया कम्प्लीटली स्टॉप करेगा. जो एरिया काम नहीं करेगा हमें उसका फॉलिश हो जाएगा. जैसा मैं कहा आपको, पीछे का एरिया में हो गया तो नज़र निकल जाएगी, ये एरिया में हो गया तो बात रुक जाएगी, सामने के एरिया होगा तो हमें सोचना बंद हो जाएगा, पीछे यहाँ का एरिया हो गया तो हमें फॉलिश हो जाएगा. और ये कैसा हो जाएगा, हमें दौरान में सर्कुलेशन में स्टॉप हो गया तब तभी हो जाएगा. इसको हम पैरालिसिस कहते हैं. हमें पैरालिसिस कुछ भी हो सकती है हमें,
हाथ का हो जाएगा, पैर का हो जाएगा, हाथ पैर का हो जाएगा, बोलने का हो जाएगा, नज़र का हो जाएगा। तो ये खून की रुकावट होने की वजह क्या होती है वो पहचानेंगे हम अभी। तो हमें खून के नली में डिफेक्ट होना चाहिए या खून के इसमें हमें डिफेक्ट होना चाहिए, तो खून के नलियों में क्या डिफेक्ट होती है और खून में क्या डिफेक्ट होती है वो पहचानेंगे हम अभी। तो ये दोनों नलियाँ ब्रेन के अंदर जाके हमारे ट्री के जैसे ब्रांच हो जाते हैं अंदर, ये ट्री के जैसे ब्रांच होते हैं। तो खून की जो है रुकावट कैसी होती है, खून गाढ़ा होने से होती है या चिकनाहट बढ़ने से होती है हमें, या हमें कहीं इंजुरी होगा उससे होती है हमें, ये जो है कुछ चीज़ों से हमें खून की रुकावट आती है। जैसा हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, स्मोकिंग हो, हम एक्सरसाइज करते नहीं, खाली खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो उसी से भी हो सकती है ये, सेडेंट्री लाइफ कहते हैं। और हम जो हैं एकदम कम्प्लीटली वेरी एरेटिक फूड हैबिट्स लेते हो तो उससे हो सकते हैं। कम से कम हम ये भी देखें कि आजकल हमें वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ रहने की वजह से भी स्ट्रोक हो सकते हैं। तो स्ट्रोक के वजह जो हैं कॉमन फैक्टर्स कहते हैं उसे, कॉमन फैक्टर्स में ये सभी इंक्लूड होते हैं, जैसा शुगर, मतलब ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफ, ओबेसिटी मोटा बनना हो और स्ट्रेस हो। कुछ लोगों में ये टोबैको च्यू करने से होती है, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर बोले तो रेयर कॉजेस, रेयर कॉजेस क्या है कि आपको जेनेटिक हो सकता है, तो आपके फैमिली में आपके खानदानी में चल रही है वो क्या क्या हो सकता है। तो उसमें जो है हमें होमोसिस्टिन बोल के एक अंश रहती है ब्लड में, वो बढ़ने की वजह से पूरे फैमिली में बढ़ती है वो, उनसे भी हमें स्ट्रोक हो सकते हैं। मोया मोया डिसीज़ बोल के रहता है उसमें हो सकती है हमें, या हमें वैस्कुलाइटिस बोल के रहता है उसमें हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रियल बोल के रहता है उसमें हो सकती है। ये सभी पूरे जो हैं दे आर कॉल्ड जेनेटिक और हेरिडिटरी स्ट्रोक्स। तो ये डॉक्टर का प्रोफेशन रहेगा कि ये कॉमन फैक्टर से हो रही है या हेरिडिटरी से हो रही है, पहचाना डॉक्टर का काम रहता है। तो तब हमें स्ट्रोक होती है तो ये एक कॉजेस से होते हैं, तो हम पर्टिकुलरली बहुत बहुत जो है केयरफुल रहना चाहिए हमें। नाउ कमिंग डाउन टू द अदर एस्पेक्ट्स, नाउ ये जो मैकेनिज्म कहते हैं, मैकेनिज्म कहाँ से निकलता है ब्लड क्लॉट। तो डॉक्टर ने अब तक रिसर्च करके ये पहचाना है कि ये क्लॉट जो है हमें पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, जैसा हार्ट में होता है, बड़े बड़े वेजल्स जो रहते हैं, वेजल्स कहते हैं कि खून के नलियाँ जो रहते हैं उसमें होते हैं, दोनों पाइप जो हैं हमें नेक में वो नलियों में हो सकते हैं, जहाँ जहाँ आर्टरी ब्रांच होती है वहाँ वहाँ जो है हमें चिकनाहट जो है जम जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स कहते हैं हमें। वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से खून के नलियाँ जो पतले होके उसे इंजरी होके वो जो हैं धीरे धीरे से ब्लॉक होने शुरू होते हैं। तो अब तक हमने ये पहचाना कि ये किस वजह से होती है, कैसा होती है, ये आर्टरी से आर्टरी को हो जाएगा, हार्ट से ब्रेन को हो जाएगा। तो इसी तरह तो हमें जो है ब्रेन के नलियों क्यों होना चाहिए, लंग और ये नो लीवर क्यों नहीं होते, ये लीवर और लंग जो हैं कम प्रमाण में जो हैं स्ट्रोक होते हैं वहाँ पे, क्योंकि ब्रेन के नलियाँ सबसे कम छोटे रहते हैं वो, तो इसके वजह से वो नलियों के अंदर से खून दौरान होने के टाइम पे वहाँ स्टक होके हमें फर्स्ट फालिश होती है हमें। तो इसलिए हम थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि इसे हम रोके कैसा। तो अभी एक बार फालिश हो गई तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल को पहुंचना पड़ेगा, हमें मालूम है कि ब्रेन जो है वायबल बोले तो सर्वाइवल टाइम खाली 3 मिनट रहता है। तो 3 मिनट में कैसे पहुंचे, तो तब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होती है, उसमें 2 पार्ट रहते हैं, अंदर का कोर एरिया रहता, बाहर का जो है पेनम्ब्रा रहता। पेनम्ब्रा को हम रिवर्स कर सकते हैं 6 घंटे के अंदर, कोर एरिया को 3 मिनट के अंदर। तो कोर एरिया रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन पेनम्ब्रा जो रहती है, सराउंडिंग एरिया जो रहता है डैमेज का, उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। हम अगर हॉस्पिटल को 4 घंटे से पहले पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं उसका अक्यूट ट्रीटमेंट रहता है वो ट्रीटमेंट दे देके आपको रिवर्स कर सकते हैं उन्हों। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगी, ट्रीटमेंट जो है अभी प्रेजेंटली एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो थ्रोम्बोलाइसिस बोल के रहता है। थ्रोम्बोलाइसिस में क्या करते हैं डॉक्टर्स जो हैं, दो ब्लड बर्स्ट करने का मेडिसिन रहेगा, ब्लड बर्स्ट करने के मेडिसिन जो है दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। डॉक्टर्स ने जो है वो अंदर वायर डाल के कैथेटर से
ब्रेन के यहाँ पहुँच के वहाँ जो है ड्रग इंजेक्ट करते हैं। वो ड्रग इंजेक्ट करने के बाद जहाँ खून घट हुई रहती है, क्लॉट हुई रहती है, क्लॉग्ड अप हुए रहता है, वो जो है पिघल जाएगा। वो पिघल जाएगा तो सराउंडिंग पेनम्ब्रा जो रहती है नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो जाएगा और वो जो है हमें नॉर्मल फंक्शन काम करना शुरू करती हैं। तो इसे हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। ये अक्यूट ट्रीटमेंट होती है। एक बार अक्यूट ट्रीटमेंट होने के बाद यूजुअली स्ट्रोक जो है एक बार आके रुकते नहीं, क्योंकि आपको एक बार अगर स्ट्रोक आ गई तो इसके माने ये होता है कि आपका सिस्टम जो है बिगड़ते जा रही है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, शुगर की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, सेडेंटरी लाइफ की वजह से ये जो है बिगड़ सकती है। दूसरे बार स्ट्रोक आ सकती है, तीसरे बार आ सकती है। तो इसे रोकने के लिए डॉक्टर ने जो है प्रिवेंशन कहते हैं इसे। प्रिवेंशन मीन्स आगे आने वाला स्ट्रोक को कैसे रोके। तो इसके लिए डॉक्टर जो हैं 1, 2, 3 मेडिसिन लाइक ब्लड थिनर, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड ब्लड वेजल पाइप जो रहते हैं उसे सॉफ्ट रखने के लिए कुछ ड्रग्स, और अगर होमोसिस्टिन अगर बढ़ के रहा तो उसके लिए ड्रग्स। ये सभी ड्रग्स देने की वजह से जो हैं आगे आने वाला रिस्क जो है हमें स्ट्रोक का वो कम हो जाता है। तो ये मेडिसिन जो हैं, कुछ लोग बोलते हैं कितने दिन ले लें हम ये मेडिसिन। अरे आप सभी जो है इसमें रिस्क में रहोगे तो इसके लिए ये मेडिसिन जो है हमें लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये लाइफ टाइम यूज़ करते हैं तो कुछ रिस्क होता है हमें। रिस्क जो है ऑलमोस्ट नील के बराबर रहते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है काफ़ी बढ़ के रहेगा। अगर ये देखते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट, बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहेगा, रिस्क जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा। तो ये है जो है प्रिवेंशन मेथड कहते हैं। प्रिवेंशन में जो हमें ये भी मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल जो है कुछ एरिया में डिपॉजिट होती है, जैसा दोनों यहाँ नलियों में, अब ब्रेन के कुछ अंदर की नलियों में कहते हैं उसे MCA मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, वहाँ पे हो सकती है। पीछे बेसलर आर्टरी बोल के कहते हैं, पीछे के भाग का ब्रेन को जो है सप्लाई करने के नली जो रहते हैं वहाँ हो सकते हैं। वो वर्टिब्रल आर्टरी बोल के रहते हैं वहाँ पे हो सकते हैं। वो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट एक बार अगर अक्लूड होने शुरू हो गया, बंद होने शुरू हो गया, धीरे 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 बंद होते हुए कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा वो। तो इसके लिए डॉक्टर्स ने जो है उसे अंदर कैथेटर डाल के वहाँ भी जैसा हार्ट को स्टेंटिंग करते हैं, ब्रेन के अंदर, कैरोटिड्स के अंदर, वर्टिब्रल के अंदर, बेसिलर की आर्टरी के अंदर उसे जो है स्टेंटिंग करते हैं। ये स्टेंटिंग करने की वजह से हमें जो है खून की नलियाँ अक्लूड होने का या बंद होने का रुक जाती है, तो नॉर्मल पेटेंसी हो जाएगा, खून के दौरान हो जाएगी और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाएगा। ये प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। तो हमने अब तक ये मालूम किया कि ये किस वजह से आती है। इससे पहले जो है हमें 40s 50s में स्ट्रोक आते थे, अभी जो है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल अभी 20 25 30s में भी हम स्ट्रोक्स देख रहे हैं। तो स्ट्रोक इज़ अ वेरी वेरीड कंडीशन, कहीं भी कभी भी कौन से टाइम पे भी आ सकती है और कौन से एज ग्रुप में भी आ सकती है हमें। तो हमें इसमें हम ये पहचाने कि स्ट्रोक क्या होती है, किस वजह से आती है और कौन से टाइप से आ सकती है और कौन से मैकेनिज्म है इसका, कैसा आ सकता है वो, और इसे कैसे ट्रीटमेंट करें हम और इसे कैसे प्रिवेंट करें हम, ये सभी जो है जानकारी ले ली अभी तक। नाउ नेक्स्ट जो है हमें देर आर सम थिंग्स के वी शुड रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन, दैट इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इंडिया इज़ अ वेरी डेवलपिंग कंट्री एंड देन ऑल दोज यंग पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया आर वेरी एग्रेसिव। जो उन्होंने एक काम पे ले लिया वो टास्क कंप्लीट करने तक उन्होंने जो है उनका हेल्थ जो है नेगलेक्ट करते रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल यंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हम जो है ये जंक फूड खाना बंद करें, डेली एक्सरसाइज करें, हमारा लाइफ जो है क्लॉक के जैसा रहना चाहिए। जो 6 आवर्स जो है अच्छे से नींद होना चाहिए, 6 to 7 आवर्स मॉर्निंग उठना चाहिए, सिंपल एक्सरसाइजेस करना चाहिए हमें, 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना, हद से भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेरियनिज्म फूड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। जैसे एक बार स्ट्रोक हो गई, सब से हम जो है चिकनाट हो, ऑयल फूड्स हो, फ्राइड फूड्स हो, जंक फूड हो, नॉन वेजिटेरियन फूड हो, स्वीट्स हो, ये चीज़ें जो है हमें रोकना चाहिए। एक टाइम पर हमें इतना कम खाना चाहिए कि हम नेक्स्ट 4 घंटे में जो काम रहती है हमें उसे एनर्जी सप्लाई करने के लिए उतना खाना चाहिए। अगर आपको 10 किलोमीटर चलने का है
तो 10 किलोमीटर चलने के बाद उतना ही खाना खाना चाहिए आपको। आफ्टरनून में जो जितना खाना खाए रहते हैं आप उसके हाफ खाना खाना चाहिए, नाइट में जो है नहीं के बराबर। अगर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं खाने के बारे में, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। थर्ड थिंग, हमें जो है मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, यू नो ऑल दीज के नो वी नीड टू यू नो डू इन अवर लाइफ एंड देन यू नो अप्लाई इन अवर लाइफ। तो अप्रोच फॉर अ स्ट्रोक ट्रीटमेंट, स्ट्रोक रोकने के लिए हम जो हैं मेडिसिन एक ही नहीं है, स्पिरिचुअली बाई मेडिटेशन वाइज, इमोशनली बाई फार्माकोथेरेपी, बाई ड्रग्स, सभी से अप्रोच करना पड़ेगा हमें। तो आज जो है वर्ल्ड स्ट्रोक डे इसके लिए मनाया जाता है कि हमें ये रिमाइंड करने के लिए कि इस बीमारी को हम कैसे कम करें और हमारे सभी नोन पर्सन अननोन पर्सन को कैसे बचाएं। और ये जो हैं जैसा बर्डन जो हैं फाइनेंशियल बर्डन जो हैं गवर्नमेंट ऑफ यू नो इंडिया में कैसे कम करें हम, इसके ऊपर जो है हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक यू नो माई टॉक ऑफ कपल ऑफ मिनट्स आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, एंड देन आई जस्ट वॉन्टेड टू से रिमेन हेल्दी, कीप हेल्दी, बी स्पिरिचुअल एंड ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड ट्राई टू बी हैप्पी। थैंक यू।